बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हैं एवरीथिंग इज़ न्यूज़। दोस्तों आज मैं बात करूंगा आपसे कुछ न्यू जॉब्स के बारे में जो कि हैं पब्लिक नोटिस। अब आपको बता देता हूं, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम पाकिस्तानी नेशनल्स फॉर अपॉइंटमेंट्स अगेंस्ट फॉलोइंग जॉब्स। सही है, अब मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं और आप जानना चाहते हैं जॉब्स के बारे में, क्योंकि जो भी न्यू जॉब्स आती हैं मैं उसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर देता हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक इस तरह की और वीडियोज़ पहुँचती रहें। तो ये जॉब्स हैं, ये टेम्प्रेरी पोस्ट हैं और मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर पोस्ट वगैरह है और इसके अंदर लिखा हुआ है विच आर लाइकली टू कंटिन्यू इन इनडेफिनिटी पीरियड, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट आर एज अंडर। अब से इसके अंदर जो पोस्ट वगैरह हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है साइंटिफिक असिस्टेंट 1, अब जो के हैं SPS 4, जिसके लिए आपको BSc चाहिए बायोलॉजिकल साइंस इन फर्स्ट डिवीज़न। सही है, फिर उसके बाद बात करेंगे आपसे टेक्निकल टेक्नीशियन 1 और जो के है SPS 4, जिसके लिए आपको 3 ईयर्स एक्सपीरियंस डिप्लोमा चाहिए, 3 ईयर्स डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर, फिर ऑटो एंड फर्स्ट डिवीज़न फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिक इंस्टीट्यूट। फिर उसके बाद बात करेंगे टेक्निकल 3 की, यह है SPS 4 की जॉब है ये भी, और इसके लिए आपको 3 साल का डिप्लोमा चाहिए और इंजीनियरिंग की यानी कि इलेक्ट्रिकल में, और साथ में फर्स्ट डिवीज़न चाहिए आपको। फिर उसके बाद बात करेंगे टेक्निशियन 3 की, अब यह SPS 2 की जॉब है जिसके लिए आपको मैट्रिक साइंस चाहिए, मिनिमम सेकेंड डिवीज़न और लीस्ट 50% मार्क्स विथ मिनिमम 6 ईयर्स एक्सपीरियंस इन 11 फील्ड। फिर उसके बाद फिर भी यानी कि आपको मैट्रिक वगैरह उसके हिसाब से। फिर है टेक्नीशियन 3 की जो कि SPS है, और फिर उसके लिए भी आपको सेम क्वालिफिकेशन चाहिए जो कि टेक्नीशियन 2 के लिए चाहिए। फिर उसके बाद है साइंटिफिक असिस्टेंट 3, इसके लिए भी आपको मैट्रिक वगैरह चाहिए और साथ में 6 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए 11 फील्ड के अंदर, यानी साइंटिफिक लैब के अंदर सॉरी। फिर उसके बाद है जूनियर असिस्टेंट, उसके लिए वो जो कि जॉब है SPS की SPS 4 की, और जिसके लिए आपको BCom चाहिए, BBA, BCS, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस और BA, BSc इन रिलेवेंट फील्ड फर्स्ट डिवीज़न। सही है, जिसके बाद है ड्राइवर और ड्राइवर 3, और जिसके लिए जो के है SPS 2 की जॉब है जिसके लिए आपको यानी कि 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड यानी ड्राइविंग के हिसाब से, और साथ में आपको मैट्रिक चाहिए यानी कि दोस्तों आपको ये बता दूं, और जो कि इसमें एज में यानी कि लिमिट है वो है 35 साल तक, यानी कि आपको हद है इसकी एज की जिसमें आपको गुंजाइश दी जाएगी। फिर उसके बाद यानी कि ये सब कुछ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट हर मस्ट बी ऑब्टेन एजुकेशनल सर्टिफिकेट डिप्लोमास डिग्रीज फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन एंड यूनिवर्सिटीज़, कैंडिडेट्स आर एम्प्लॉयड इन द गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट, वो यानी कि अपने प्रॉपर चैनल के जरिए अप्लाई करेंगे, कैंडिडेट्स हु फुलफिल्ड प्रीप्रेस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अप्लाई। अब यानी कि जो आप अगर इसके हिसाब से आपके पास जॉब यानी कि डिप्लोमा वगैरह है और आपकी मार्कशीट वगैरह इसके हिसाब से मार्क्स वगैरह, तो आप यानी कि अप्लाई करेंगे, ये लिखा हुआ। अब एप्लीकेशन विद 2 लीस्ट कलर्ड फोटोग्राफ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ NIC डोमिसाइल सर्टिफिकेट एकेडमिक सर्टिफिकेट्स एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स मस्ट रीच द अंडरसाइंड लिस्ट बाय, अब यानी कि 25 अक्टूबर तक आपको 2018 तक इसको यानी कि यहाँ पर आपको ये चीज़ें साथ में भेजनी है, 2 कलर साइज पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ्स वगैरह और जो जो मैंने आपको बताया जो कि अटेस्टेड हो सब कुछ। फिर उसके बाद है नेम ऑफ पोस्ट अप्लाइड, यानी कि जो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे वो एनवेलप के ऊपर आपने उसकी पोस्ट यानी कि उस पोस्ट का नाम लिखना है, और फिर नीचे एड्रेस दिया हुआ आपको यानी कि इस एड्रेस पर भेजना है, सर एडमिन ऑफिसर PO बॉक्स नंबर 128 GPO फैसलाबाद, और साथ में नीचे फ़ोन नंबर दिया हुआ है। अब जो भाई इसमें अप्लाई करना चाहें वो कर सक, और मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।